गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू क्रंच कार्स। आज मैं आ चुका हूँ मेरी गाड़ी का जो फर्स्ट सर्विसिंग है उसके लिए। जो पहले मैंने वीडियो आप लोगों के लिए डाला था, दैट वाज द फर्स्ट फ्री इंस्पेक्शन फॉर निसान मैग्नाइट। ये वाला जो होता है दैट इज़ द फर्स्ट सर्विसिंग। मैंने इसकी डिटेल्स जो है आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में समझा के रखा हुआ है। तो आज सीधा चालू करते इस गाड़ी का फर्स्ट सर्विसिंग लेके। मैं आपको पूरा डिटेल्स, कॉस्ट जो भी होने वाला है मैं वो सब आपको बताऊँगा। और मैंने निसान की तरफ से जो पैकेज आता है ना, जिन लोगों को मालूम है, एक गोल्ड पैकेज आता है और एक आता है सिल्वर पैकेज सर्विसिंग के लिए, तो मैंने वो सिल्वर वाला पैकेज लेके रखा हुआ था। तो इसीलिए पूरा कॉस्टिंग क्या आता है, गाड़ी की सर्विसिंग कैसी होती है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये है निसान का कोलकाता में शोरूम ऑटो रैली, यही वो जगह है जहाँ पे मैं पहली बार भी आया था। तो अभी मेरी गाड़ी जा चुकी है अंदर, ऑलरेडी उसका इंस्पेक्शन वगैरह हो चुका है। तो अभी हम लोग खाली चालू करने वाले इसका जो क्लीनिंग वगैरह है या फिर जो भी पूरा प्रोसेस होता है। तो ये रही हमारी मैग्नाइट। अभी नॉर्मल इसका जो पीरियोडिकल मेंटेनेंस है उसका सब कुछ काम चालू हो चुका है। जैसे मैंने इस बार मांगा है, इसको इस गाड़ी को एक साल हो चुका है, तो अभी इसका इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, मोबिल, ये सब मैं चेंज करवा रहा हूँ। कूलेंट के लिए मैंने बात किया तो बोला कूलेंट फिलहाल अभी ज़रूरी है नहीं, कूलेंट ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं चारों चक्का जो है वो खोल चुका है, तो अभी व्हील रोटेशन के लिए भी काम होगा शायद। ये पीछे का टायर जो है वो आगे, ये व्हील रोटेशन, ये सब काम होगा। उसके बाद गाड़ी जाएगी यहाँ पर वॉशिंग के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। टोटल एक एवरेज एस्टिमेट दिया है मुझे, करीब 2 घंटे का काम बाकी है, तो देखते हैं। चलिए, आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया। मेरा प्लान था सुबह 10 बजे तक करीब यहाँ पर आ जाने का। जब तक मैं यहाँ पर पहुँचा ऑलरेडी 12:30 बज चुका था, तो लंच टाइम वगैरह चल रहा था, इसे थोड़ा लेट हो गया। एनीवेज जल्दी जल्दी इन लोगों ने काम चालू कर दिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। यार, ये निसान की सर्विसिंग की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, काफ़ी डिटेल्ड में काम होता है। अभी देखिए, जैसे इस टायर पे, ये मेरा राइट साइड का रियर व्हील है, जो अभी ब्रेक ग्रीसिंग का वगैरह काम चल रहा है। निसान में ये चीज़ें यहाँ पे लोग टाइम लेके ना काफ़ी डिटेल्स में काम करते हैं। तो चलो, अभी लग गया ये टायर। मेन चीज़ वही है ना कि आप जब गाड़ी की सर्विसिंग के लिए आते हो, अगर काम ढंग से हो, काफ़ी डिटेल में हो, तो यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड एज अ कस्टमर कि चल यार, मेरी गाड़ी का जो देखभाल है, मेंटेनेंस है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। तो अभी टायर का काम फिलहाल ख़त्म ऑलमोस्ट। ऑल राइट, फाइनली सर्विसिंग का जो काम था अभी जाके ख़त्म हुआ। अभी बस ये थोड़ा क्लीनिंग, रबिंग, पॉलिशिंग का काम चल रहा है, बाकी ऑलमोस्ट डन है। एक बार ये हो जाए तो बाकी रहेगा मेरा बिलिंग, वॉट एवर द बिलिंग इज़। तो उसके बाद जैसे बिल आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद चलो घर, हो गया आज के लिए। ओके, सो फाइनली अब हो चुका है गाड़ी का सर्विसिंग डन। अभी मैं बात करता हूँ कॉस्टिंग की। तो टोटल कॉस्टिंग जो मुझे आया फाइनली वो है, ये देखिए आप लोग, टोटल मुझे जो पे करना पड़ा दैट इज़ 315 रुपये। ये जो कॉस्ट था मोबिल ऑयल चेंज का 1105 रुपये, बाकी ये सब जो काम हुआ, फिल्टर ऑयल, वॉशर ड्रेन, फिर ऑयल, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, काफ़ी सब कुछ मैंने चेंज करवाया है। लेकिन एज बिकॉज मेरे पास वो सर्विस पैक था, वो सिल्वर पैक, तो ये सारी चीज़ें फाइनली ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज मैंने पहले ही ये सब प्लान लेके रखा हुआ था। तो आने वाले 5 सालों तक जो भी मैं ये सब खर्चा करूँगा दैट इज़ ऑलरेडी प्री डिडक्टेड वो सिल्वर पैकेज से। तो आज जो मेरा फाइनल प्राइस आया, जो मैंने पे किया है खाली आपका कंज्यूमेबल्स के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने 315 रुपये पे किए हैं, ये आएगा आपका बस ये वाला। देखिए, मैंने पे किया है आपका बैटरी ग्रीसिंग के लिए, एक जो होता है कैलिपर ग्रीस, और एक जो होता है आपके ब्रेक के वहाँ पे ग्रीसिंग के लिए। ये रहे उसके चार्जेस। चार्जेस मुझे आए हैं फाइनल, ये रहा
ओके अभी दिख रहा है 180, 35 और 100, टोटल सब कुछ मिला के टैक्सेस एंड ऑल जीएसटी वगैरह लेके टोटल 315। तो 315 रुपये में हो चुका है मेरा सर्विसिंग ख़त्म। सो 315 रुपये टोटल लगे मुझे, और ये था मेरा फर्स्ट सर्विसिंग जिसमें मेरा ऑयल वगैरह सब चेंज हुआ। इससे पहले जो मैंने करवाया था वो था आपका फर्स्ट फ्री इंस्पेक्शन, तो उसका पूरा व्लॉग आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा, दैट वाज माय फर्स्ट व्लॉग। तो अभी ये वाला हो गया फर्स्ट सर्विसिंग। इसके बाद जो स्केड्यूल्ड सर्विसिंग है मेरा, दैट इज़ 6 महीने के बाद, 18 मंथ्स के बाद जो होता है, तो 1 साल का हो गया अभी और 6 महीना, तो अगस्त में आएगा मेरा सेकेंड फ्री चेकअप। उसमें वापस गाड़ी का चेकअप, क्लीनिंग, वॉशिंग होगा, और जो नेक्स्ट सर्विसिंग है वो होगा नेक्स्ट आपका 2 साल बाद। ओके एक सेकेंड, मैं थोड़ा गाड़ी को हटा लेता हूँ, सामने से गाड़ी आ रही है। ओके सो सॉरी, थोड़ा वहाँ से पार्किंग से गाड़ी हटाना था। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, सर्विसिंग अभी ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट सर्विसिंग नेक्स्ट 2 सालों में, नेक्स्ट ईयर मतलब 2 ईयरली, तो 1 साल बाद जो होने वाला है, उससे 6 महीना पहले एक फ्री सेकेंड फ्री इंस्पेक्शन। रिगार्डिंग द सर्विसिंग अगेन, आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड। जैसे कि मैं पहली बार भी यहाँ पे आया था, मैं बहुत सेटिस्फाइड था इनकी सर्विसिंग को लेके। मेन चीज़ जो है ना, ये लोग आपकी गाड़ी के ऊपर पूरा टाइम देता है जो आपको चाहिए, एकदम डिटेल में क्लीनिंग, हर एक चीज़ का इंस्पेक्शन करना। अगर आपको गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप उसको बताइए। एंड मेन चीज़ कंपेयर टू मारुति एंड ऑल, यहाँ पे आपकी बात ना सुना जाता है यार, कि एज अ कस्टमर आपको प्रॉब्लम क्या है, सर्विस कैसा लगा। तो मेरी तरफ से इनको फिर से एक 5 स्टार, मैं इनको जो फीडबैक था वहाँ पे भी देखे आया, क्वाइट गुड। तो रिगार्डिंग कॉस्टिंग भी मैंने आपको बता दिया, और बाकी वही जिन लोगों के मन में अभी भी क्वेश्चंस है, निसान अगर मैंने ले लिया तो सर्विसिंग क्या होने वाला है। तो 1 साल हो चुका मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए, करीब 6,000 किलोमीटर चल चुका है, ये मेरा 1 साल वाला सर्विसिंग भी था, तो एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड। तो आगे इसके ऊपर और वीडियोज़ में लाने वाला हूँ कि मैग्नाइट के ऊपर, आप लोग देखते रहिएगा मेरे चैनल को, स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाए, अच्छा लगाए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोगों तक बात पहुँचेगा निसान का। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, हैव अ गुड डे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।